नमस्कार दोस्तों, हिस्टोरिका इंडिया में आपका स्वागत है। दोस्तों मैं विकास कुमार, आप लोगों को पता है दोस्तों कि हिस्टोरिका इंडिया का हमारा फेसबुक पेज भी है, हमारा इंस्टाग्राम पे भी पेज है और हमारा यूट्यूब पे भी पेज है। दोस्तों आप सभी लोगों को पता होगा हिस्टोरिका इंडिया में दोस्तों हम लोग भारत के हिस्ट्री, हिस्टोरिका इंडिया मीन्स हिस्ट्री ऑफ इंडिया, भारत के इतिहास से संबंधित सभी चीज़ें हम उस यूट्यूब चैनल पर, फेसबुक पेज पर और जो इंस्टाग्राम है उस पर खास करके जो हिस्टोरिकल फोटोज हैं हम लोग डालते हैं दोस्तों। और हम लोग भारत के जो विभिन्न संस्कृतियां हैं उन संस्कृतियों के बारे में बात करते हैं, भारत की सभ्यता के बारे में बात करते हैं, भारत के जो प्राचीन कला है उसके बारे में बात करते हैं, जो शिक्षण संस्थान है उसके बारे में बात करते हैं और जो भारत की जो प्राचीन साहित्य है, जो साहित्य ग्रंथ है, जो कह सकते हैं कि जो ऐसी सोर्सेज हैं जिसपे हमारा इतिहास निर्भर है हम उनकी बात करते हैं। दोस्तों हम बात करते हैं ऋग्वेद की, हम बात करते हैं उपनिषद की, हम बात पुराणों की करते हैं, हम बात बौद्ध धर्म से संबंधित जो ग्रंथ हैं उनकी बात करते हैं, बुद्धचर्य की बात करते हैं, धम्मपद की बात करते हैं, विनय पिटक की बात करते हैं, अभिधम्म पिटक की बात करते हैं, शुद्ध पिटक मतलब तीनों पिटकों की बात करते हैं और बुद्ध से संबंधित जितने भी पुस्तकें हैं जिससे हमें प्राचीन सभ्यता बौद्ध धर्म के बारे में ज्ञान मिलता है और चाहे जैन धर्म से संबंधित जितने भी आगम जैसे जो स्रोत हैं उनसे जो हमें कह सकते हैं कि जो प्राचीन इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है वो कहीं ना कहीं हमारे ज्ञान को संवर्धित करती है। चाहे फिर आते हैं मध्यकाल में और फिर हम आधुनिक काल में, मैं कहता हूँ कि जो हमारा पूरा इतिहास है, भारत के इतिहास है, सभ्यता और संस्कृति है, उससे संबंधित जो भी जानकारियाँ है हम अपने इन तीनों प्लेटफॉर्म पे रखते हैं लोगों के लिए। और इसी क्रम में आज दोस्तों मैं बात करूँगा बौद्ध धर्म से संबंधित एक ऐसी पुस्तक के बारे में। इस पुस्तक का नाम है धम्मपद। कह सकते हैं कि धम्मपद के बारे में कहा जा सकता है कि ये भगवान बुद्ध के जो वचन है, जो वचन है उनके संकलन है। और ये किताब एक पूरी तरीके से आपको कैसे आपको जीवन जीना है, जीवन में क्या क्या चीज़ें करनी है वो सिखाता है। जब भगवान बुद्ध के पास भिक्षु आते थे, उपासक आते थे और भगवान बुद्ध से प्रश्न करते थे तो भगवान बुद्ध कैसे एक अच्छे जीवन जिया जाए, कैसे एक आदर्शवादी तरीके से रहा जाए, ये चीज़ें भगवान बुद्ध बताया करते थे। और जो चीज़ें भगवान बुद्ध, जो शब्द भगवान बुद्ध बोलते थे उन्हीं शब्दों का धम्मपद एक संकलन है। जिस तरीके से गीता को पवित्र माना जाता है उसी तरीके से धम्मपद एक पवित्र है। पद मतलब आप जानते होंगे कि एक वाक्य अंश हो गया। धम वो है जो भगवान बुद्ध ने दिया है, यानी द पाथ ऑफ लॉर्ड बुद्धा इज धम्मा। लॉर्ड बुद्धा टीचेज अस हाउ टू लीव ए वेरी पीसफुल लाइफ, हाउ टू लीव इन पीस एंड हारमोनियस कम्युनिटी, हाउ टू मेक योर लाइफ एनलाइटेंड। These are the way of Buddha and the words which are told to their disciple by Buddha, these words are very pious and these words are called the Dhammapada। तो दोस्तों धम्मपद के जो संकलन है उसमें जो 26 बग हैं, बग मीन्स कह सकते हैं कि चैप्टर, जो 26 चैप्टर हैं उन्हीं जो चैप्टर है, प्रथम जो चैप्टर है वो है एमक बग। एमक मतलब होता है जोड़ा। उसमें जो कह सकते हैं एक तरीके से श्लोक जिसको कहते हैं तो वो जोरे में आता है। तो दोस्तों कुछ समय में मैं आज 2 से 3 जो धम्मपद के जो वाक्य हैं उनको मैं पढ़ के सुनाऊंगा आपको और उनके अर्थ भी हिंदी अर्थ भी बताते जाऊंगा। और आज मैं फर्स्ट डे है तो आज मैं 5 पढ़ूंगा, यमक बख से 5 पढ़ूंगा और आगे इसी तरह मैं कोशिश करूँगा कि धम्मपद से और अन्य जो प्राचीन भारत के ग्रंथ हैं उनसे रिलेटेड जो चीज़ें हैं मैं इस प्लेटफॉर्म पर रखने की कोशिश करूं। तो यमक बग का जो पहला श्लोक है कह सकते हैं, मनोपुबंगमा धम्मा मनो सेठा मनोमया मनसा से पदुठे न भासति वा क्रोति वा ततो न दुखम नेवती चक्कम वहतो पदम। कहा गया है कि मन सभी प्रवृत्तियों का क्या है, सभी प्रवृत्तियों का अगुआ है, अगुआ मीन्स पथ प्रदर्शक है। मन ही क्या है, प्रधान है,
वो ये मन से ही उत्पन्न है। हमारे जितने भी विचार हैं वो मन से ही उत्पन्न होते हैं, हम मन से ही सोचते हैं। इसलिए मन को क्या कहा गया, प्रधान किया गया, कहा गया मन को पथ प्रदर्शक कहा गया। यदि कोई दूषित मन से कोई वचन बोलता है या पाप कर्म करता है तो दुख उसका अनुसरण करता है, उसी प्रकार करता है जिस प्रकार चक्का जो है गाड़ी खींचने वाले बैलों के पैरों का करता है। मतलब भगवान बुद्ध इस यमक बक के पहले श्लोक में बताते हैं कि यदि कोई व्यक्ति दूषित मन से कोई वचन बोलता है, पाप कर्म करता है, तो जो दुख है वो उसको उसी प्रकार उसका पीछा करता है जिस प्रकार की जो चक्का है बैलगाड़ी को खींचने वाला वो बैलों के पहियों का करता है। जब आप देखते होंगे कि जब बैलगाड़ी को दो बैल खींचते हैं तो बैल आगे आगे चलता है, तो बैल के जो पैर है उसी का अनुसरण कौन करता है, चक्का, तभी तो बैलगाड़ी आगे बढ़ता। तो भगवान बुद्ध कहते हैं कि जो मन प्रधान है, मन पर प्रदर्शक है, मन ही सब कुछ है, और यदि जो व्यक्ति मन से दूषित मन से वचन बोलता है, गलत वचन बोलता है, पाप कर्म बोलता है, तो उसका दुख क्या करता है, अनुसरण करता है, पीछा करता है। उसके बाद दूसरा जो है, मनोपबंगमा धम्मा मनोसेठा मनोमया मनसा चे प्रसन्नेन भासति वा करोति वा ततो नम सुखं वेति छाया वा अनपायनी। कहा गया कि मन सभी प्रवृत्तियों का गुआ है, यानी मन सभी प्रवृत्तियों का, विचारों का क्या है, पथ प्रदर्शक है, प्रधान है, मन ही उनका प्रधान है, मन ही क्या है, मुखिया है, वे मन से ही उत्पन्न होता है। यदि कोई प्रसन्न मन से, खुश मन से अच्छा वचन बोलता है और अच्छा कर्म करता है, सद्य कर्म करता है, तो सुख उसका अनुसरण उसी प्रकार करता है जिस प्रकार साथ नहीं छोड़ने वाला छाया, छाया मीन साइडो, आप जब जाते हैं तो आपके पीछे पीछे आपकी छाया चलती है, तो आपकी छाया क्या है, आपकी छाया आपकी प्रतिभूति है। तो भगवान बुद्ध कहते हैं कि मन जो है सभी प्रवृत्तियों का प्रधान है, यदि आप प्रसन्न मन से अच्छे वचन बोलेंगे तो सुख आपका अनुसरण करेगा, उसी प्रकार करेगा जैसे आपका छाया आपका अनुसरण करता है। तो इन दोनों छंदों से भगवान बुद्ध के कहने का ये अर्थ हुआ कि दूषित मन से कोई वचन ना बोले, पाप कर्म ना करे, हमेशा प्रसन्न मन से सत वचन बोले और सद कर्म करे, जिससे आपको सुख की प्राप्ति होगी। तीसरे अकोची मम अबधि मम अजनी मम अहासी में ये च तम्मा उपनयन्ति बेरम तेसम न सम्मति। उसने मुझे डांटा, उसने मुझे मारा, उसने मुझे जीत लिया, उसने मेरा सब कुछ लूट लिया। जो ऐसा मन बनाए रखते हैं उनका बैर कभी शांत नहीं होता है। मतलब हमेशा आप दूसरों को दोष देते रहेंगे, दूसरे के बारे में सोचते रहेंगे कि वो मेरे साथ वैसा किया, वैसा किया, वैसा किया, तो आपका कभी मन शांत नहीं रहेगा। और जब मन शांत नहीं रहेगा तो बैर खत्म नहीं होगी, दुश्मनी खत्म नहीं होगी। यदि आप हमेशा ऐसा सोचते रहेंगे कि उसने हमको वो किया वो किया, तो आपका मन शांत नहीं होगा। मन शांत नहीं होगा तो आपके अंदर से बैर की भावना नहीं खत्म होगी। बैर की भावना नहीं खत्म होगी तो आपके अंदर शांति नहीं आएगी। शांति नहीं आएगी तो क्या होगा, आपका जीवन सुखमय नहीं होगा। उसके बाद अखोची मम अवधि मम अजनी मम आसी में एतम मम न उपनयन्ति बेरम ते सूप सम्मति। उसने मुझे डांटा, उसने मुझे मारा, उसने मुझे जीत लिया, उसने मेरा सब कुछ लूट लिया। जो ऐसा मन में नहीं बनाए रखते हैं उनका बैर शांत हो जाता है। मतलब जो क्षमा कर देते हैं, जो माफ़ करते देते हैं, जो दूसरे लोगों के बारे में बार बार नहीं सोचते हैं कि उसने गलत किया, उसने ये किया, तो क्या होता है, उनका मन शांत हो जाता है। और क्या होता है, बैर खत्म हो जाती है, दुश्मनी क्या होती है, खत्म हो जाती है। उसके बाद पांचवा क्या है, ना ही बेरेन बेरानी ना ही बेरेन बेरानी समंतित कुदाचनम आवेरेन चा समंती ऐसा धम्मो सनंतनो। क्या कहते हैं, ना ही बेरेन बेरानी समंतधीत कुदाचनम आवेरेन चा सममंती ऐसा धम्मो सनंतनो। मतलब इस संसार में बैर से बैर कभी शांत नहीं होते हैं, अबैर मतलब मैत्री से ही शांत होते हैं। यही क्या है, संसार का सनातन नियम है।
भगवान बुद्ध देखिए कितनी अच्छी बात कर रहे हैं कि कभी लड़ाई से लड़ाई खत्म नहीं होगा। यदि गांधी कहते हैं कि एक आंख के बदले दूसरी आंख ली जाएगी तो पूरी दुनिया अंधी हो जाएगी, ये बुद्ध का ही बात है जो बाद में गांधी जी कहते हैं। बुद्ध क्या कहते हैं, ना ही बेरेन बेरानी समन्नति कुदाचना, कहते हैं कि बैर से बैर कभी समाप्त नहीं होता है, कुदाचना मतलब कभी समाप्त नहीं होगा। अबेरेन, अबेरेन मीन्स आ लग गया, आप सर लगे मतलब उल्टा, उल्टा मतलब अबेरेन मतलब बैर के उल्टा मैत्री, मैत्री मतलब मित्रता। अबेरेन सम्मति ऐसा धम्मु सनंतरो, मतलब अबैर से ही मतलब मैत्री से ही बैर खत्म होगा, और यही तो सनातन नियम है, यही तो सबसे सब समय हमेशा से चलने आने वाला नियम है। उसके बाद परे न विजानन्ति मैं मेथा यमामसे एच तथा विजानन्ति तत्तो शममन्ति मे धगा। अनारी, अनारी मतलब मूर्ख लोग इस प्रकार विचार नहीं करते हैं कि हम इन संसार में नहीं रहेंगे, जो इसका विचार करते हैं उन पंडितों के सारे कलह शांत हो जाते हैं। कहते हैं कि जो मूर्ख लोग हैं, जो मूर्ख लोग हैं वो ऐसा विचार ही नहीं करते हैं कि हम संसार में नहीं रहेंगे, वो सोचते हैं कि संसार में हम ही सहम हैं, मतलब सर हम अजर अमर हैं, सब दिन हम ही रहेंगे और सबसे लड़ाई झगड़ा करने चलते हैं। लेकिन जो लोग ज्ञानी हैं, पंडित हैं, वो ऐसा सोचते हैं कि जो शरीर क्या है, नश्वर है, हम अमर नहीं रहेंगे, उनका क्या होता है, उनके सारे कलह क्या होते हैं, शांत हो जाते हैं। तो दोस्तों मैंने धम्मपद से भगवान बुद्ध की जो वाणी है उनसे मैं यमक भग, जो 26 भग में पहले भग है यमक भग, यमक भग के जो 6 श्लोक है उनको मैंने आपको बताया, और जो अर्थ है वो भी मैंने बताया, तो आपको भली भांति समझ में आया होगा। और आगे भी मैं आपको इससे पढ़ पढ़ के सुनाऊंगा, आप भी खरीद के जरूर पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, देखते रहिए मेरा हिस्टोरिका इंडिया चैनल, इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, बहुत बहुत धन्यवाद।